लॉकडाउन के चलते जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है। पीलीभीत में लगातार बढ़ते कोरोना का मरीजों को लेकर प्रशासन कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, जिसके तहत जिलाधिकारी पीलीभीत की ओर से कस्बा व शहर की मार्केटों को दो शिफ्टों में बांटा गया है, जिसमें लोगों की भीड़भाड़ कम हो सके। इस रूप से अमरिया कस्बे में मेन मार्केट को दोनों ओर अलग अलग दिनों में बांटा गया है तथा बाजार के पुराने रोस्टर को बदल दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा इस रोस्टर का विरोध किया गया है। अमरिया व्यापार मंडल अध्यक्ष असगर अली के नेतृत्व में जिलाधिकारी को इस रोस्टर को हटाने पर पुराने रोस्टर को लागू करने की मांग की है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि नए रोस्टर प्रणाली से व्यापारी वर्ग का भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए व्यापार हित में जिलाधिकारी महोदय को सोचना पड़ेगा और पुराने रोस्टर को लागू करना पड़ेगा। यदि जिला प्रशासन हमारी समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाता है तो व्यापार मंडल इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा, व्यापारी हमेशा शासन प्रशासन की मदद को तैयार रहते हैं। लॉकडाउन की समस्या से जूझ रहे देश और जनपद में वह हमेशा शासन व प्रशासन के साथ हैं, लेकिन शहर व कस्बों की मार्केटों को दो हिस्सों में बांटने से व्यापारी वर्ग का भारी नुकसान हो रहा है। सफी 24 न्यूज़ के लिए पीलीभीत से सदर सफी। जिस तरह तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अमरिया कस्बे का ये मेन मार्केट, जिसका पूर्वी हिस्सा आज बंद है और पश्चिमी हिस्से की मार्केट को आज जिला प्रशासन द्वारा खोला गया है, इसका ही विरोध उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल जता रहा है। है कि जिला प्रशासन भले ही 5 दिन हमारी मार्केटों को खुलवाए, लेकिन पूर्ण रूप से हमारी मार्केट खोलने का नया रोस्टर प्रणाली लागू करें। क्या समस्याएं हैं व्यापार मंडल को लेकर? हमारी समस्याएं ये हैं कि जो है जिलाधिकारी महोदय जी ने जो नया रोस्टर चालू किया है, इससे आधी दुकानें बंद हैं और आधी खुली हैं, जिससे व्यापार का नुकसान हो रहा है और व्यापारी वर्ग में एक रोष है कि आधे लोग खाली हैं और आधे लोग जो है दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, जिससे व्यापारी वर्ग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बाकी आप देख रहे हैं पीछे के सब लोग, मार्केट बंद होने की वजह से बिजली का बिल कहाँ से दिया जाएगा, नौकर की नौकरी कहाँ से दी जाएगी, दुकान के जो अन्य खर्चे हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे, और बच्चों की स्कूल की फीस है और आदि व्यापारियों के और भी खर्चे हैं। इससे ना तो किसी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है किसी तरीके की, ना ही और सपोर्ट है। इसलिए हम मांग करते हैं जिला अधिकारी महोदय से कि जो पहले हमारा जैसा रोस्टर था खोलने का दुकानें, वैसा ही होना चाहिए। हमारी व्यापार मंडल की तरफ से मांग है, सारे व्यापारियों की तरफ से मांग है हमारी। क्या मामला है व्यापार मंडल वाले, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये आ रही हैं साहब, ये तो व्यापार ठप, बिल्कुल ठप हो चुका है। और हम लोगों ने कल एक ज्ञापन भी दिया था डीएम साहब के लिए, उसमें हमने मांग रखी थी कि पूरी तरह से हमारी 5 दिन के लिए मार्केट खोली जाए और जो नई गाइडलाइन तैयार करी है उसका हम विरोध करते हैं, और नई पुरानी जो गाइडलाइन थी वो बेहतर थी उसका हम स्वागत करेंगे। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला हमें। कितना समय हो गया? 24 घंटे होने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनके आह्वान से ही हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अधूरी मार्केट है, आधी मार्केट खुली है आधी बंद है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कल हमने ज्ञापन भी दिया था एसडीएम साहब को, डीएम साहब के माध्यम देने के लिए, तो उसमें हमें हमारे व्यापारी वर्ग को इतनी परेशानी है
एक डैनी साइड से खुलवाती है, कभी भी परेशान खुलवाता है, कभी बाई साइड से खुलवाता है। छोटी सी मार्केट है हमारी, इसमें व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, हम बहुत दिक्कत में हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी पुराने जो गैरलैंड पुरानी वाली थी उसके आधार पर हमारी मार्केट खुली जाए। तो इसको आपने जिला प्रशासन को अवगत कराया इस समस्या से? जी हाँ, कल हमने ज्ञापन दिया था SDM साहब को जी, उस पर हमने मांग भी रखी थी कि हमारा ये बाज़ार पूर्ण रूप से 5 दिन खोला जाए।